हेलो फ्रेंड्स, आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन पूरे देश के लिए लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप अपनी हेल्थ आईडी बना सकते हैं। भारत के सभी हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक और डॉक्टर्स और नर्स को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसका फायदा ये होगा, जब भी आप किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक पर जाएंगे तो आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री को अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। आपकी मेडिकल हिस्ट्री हेल्थ आईडी पर डिजिटली रिकॉर्ड रहेगी, जिसको किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में चेक किया जा सकेगा। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी हेल्थ आईडी को बनाना सीखेंगे, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। इसके लिए हम किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, तो मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है और सर्च बार में टाइप करेंगे हेल्थ आईडी, तो मैं टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद हम सर्च करेंगे। अब आपके सामने पहले नंबर की वेबसाइट आ जाती है, healthid.ndhm.gov.in। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आप नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेट योर हेल्थ आईडी, इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है जनरेट बाय आधार, यानी आप आधार कार्ड से अपनी हेल्थ आईडी को जनरेट करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है आई डोंट हैव आधार, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, या फिर आई डोंट वांट टू यूज माई आधार फॉर क्रिएटिंग हेल्थ आईडी। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप आधार कार्ड से हेल्थ आईडी को जनरेट नहीं करना चाहते, तो क्लिक हियर पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से हेल्थ आईडी को जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे पास आधार कार्ड है, मैं जनरेट बाय आधार पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है आधार नंबर वर्चुअल आईडी, इन दोनों में से यहाँ पर एक नंबर को टाइप कर लेना है। तो मेरे पास आधार नंबर है, आधार नंबर को टाइप कर लेता हूँ। आधार नंबर टाइप करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री का ऑप्शन मिल जाता है, हम इस पर टिक करेंगे और नीचे ऑप्शन मिल जाता है आई एम नॉट रोबोट, इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर टिक करेंगे। अब आपके सामने बहुत सारे इमेज देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फायर हाइड्रेंट, यानी कि यहाँ पर जितने ऑप्शन में आपको फायर हाइड्रेंट का फोटो दिख रहा है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कैप्चा वेरीफाई होने के बाद हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, यहाँ पर वो ओटीपी को टाइप कर लेंगे। तो मेरे में ओटीपी आ चुका है, टाइप कर लेता हूँ। ओटीपी टाइप करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वी विल सेंड वन टाइप पासवर्ड ऑन दिस नंबर, यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर टाइप करना है जो आपके पास अवेलेबल हो। तो मैं टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को टाइप करेंगे। ओटीपी टाइप करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, जो भी आपने आधार नंबर टाइप किया था उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर उनकी प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, नाम देखने को मिल जाता है, लास्ट नेम देखने को मिल जाता है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाती है, जेंडर देखने को मिल जाता है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जेंडर के नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है पीएचआर एड्रेस, नीचे आप देख सकते हैं हेल्थ आईडी पीएचआर एड्रेस, यहाँ पर आपको यूनिक नेम टाइप करना है। जैसे आप यूपीआई आईडी बनाते हैं तो जैसे आप नाम टाइप करेंगे किसी से मैच ना करे, इस तरीके आप यूनिक नेम टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इनका नाम टाइप कर लेता हूँ। नाम टाइप करने के बाद यूनिक एड्रेस के लिए मैं इनका मोबाइल नंबर के पीछे के अंक टाइप कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इनका नाम टाइप किया था, इसके नीचे आप देख सकते हैं यूजर नेम विनेश ऑलरेडी टेकन, यानी कि इस नाम से हेल्थ आईडी बनी हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेरीफाई हो गया है, यहाँ पर कोई रेड कलर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है ईमेल आईडी, अगर आपके पास है तो टाइप कर लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो मैं ईमेल आईडी को टाइप कर लेता हूँ। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं योर हेल्थ आईडी कार्ड हैज बीन जनरेटेड, यानी आपकी हेल्थ आईडी जनरेट हो चुकी है। तो इसे देखने के लिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हेल्थ आईडी जनरेट हो चुकी है।
यहाँ पर आपको हेल्थ आईडी नंबर देखने को मिल जाता है, पीएचआर एड्रेस देखने को मिल जाता है, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाती है, यहाँ पर जेंडर देखने को मिल जाता है, नीचे का मोबाइल नंबर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड देखने को मिल जाता है, किसी अदर फोन से क्यूआर कोड को स्कैन करके हेल्थ आईडी की डिटेल्स निकाल सकते हैं। इसके नीचे ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड, इसे डाउनलोड करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी हेल्थ आईडी डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपने हेल्थ आईडी को जनरेट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं और किसी साइबर कैफे पे जाकर उसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।